हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके लर्न्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम डिस्कस करेंगे आज। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 मेन फॉर 31 डेज। 400 लोगों के लिए 31 दिन तक खाना है। आफ्टर 28 डेज 280 मेन लीव द प्लेस। और 28 डेज के बाद होता क्या कि 280 लोग चले जाते हैं। आगे बोल रहा है, फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मेन। अब वो कह रहा है कि जो बचा हुआ खाना है वो कितनी देर तक और चलेगा, ये क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, क्लियर। अब देखो, जैसे जो पहली लाइन है वो क्या कह रही है, पहली लाइन कह रही है कि 400 लोगों के लिए 31 दिन तक खाना है। 400 लोगों के लिए 31 दिन तक खाना है, और होता क्या कि 28 डेज के बाद 280 लोग चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिन में 28 दिन का जो खाना है वो लोगों ने खा लिया है, क्लियर। 400 लोगों ने खा लिया, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आफ्टर 28 डेज 280 लोग चले जाते हैं। इसका मतलब 28 डेज तक 400 लोगों ने खाना खा लिया, क्लियर। अब जो खाना है वो कितने दिन का खाना बचा है, तो वो जो खाना है वो 3 दिन का खाना बचा, क्लियर। अब जो खाना है वो कितने दिन का बचा है, वो खाना 3 दिन का बचा है। और इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये मान के चलना होगा कि हर एक मैन जो है वो एक ही यूनिट खाना खाता है, ठीक है, एक ही यूनिट खाना खाता है, ये आपको मान के चलना होगा। तो मैं आपको कह रहा था कि कितने दिन का खाना बचा है, 3 दिन का खाना बचा, क्योंकि 28 डेज तक तो 400 लोगों ने खाना खा लिया। अब ये जो 3 दिन का खाना बचा है ये कितने लोगों के लिए बचा हुआ है, तो ये 3 दिन का जो खाना है ये 400 लोगों के लिए बचा हुआ है। तो अगर मैं 3 को 400 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फूड लेफ्ट, जो मेरे पास खाना अभी बचा हुआ है, क्लियर। जो खाना बचा हुआ है ये वो मैंने निकाल दिया, क्लियर। आई रिपीट कि 400 लोगों के लिए 31 दिन तक खाना था, 28 डेज के बाद होता क्या है कि 280 लोग चले जाते हैं। इसका मतलब 31 में से 28 डेज तक जो खाना है वो मतलब खत्म हो चुका है, क्लियर। 28 डेज तक जो है खाना वो खत्म हो चुका है, 400 लोगों ने खाना खा लिया है। अब हुआ क्या है कि 28 डेज के बाद सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं, और 3 दिन में कितने लोगों के लिए खाना है, 400 लोगों के लिए खाना है। तो इसका मतलब ये क्या निकला हमारा, जो खाना हमारा बच गया है। अब होता क्या कि 28 डेज के बाद होता क्या कि 280 लोग चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 28 डेज के बाद अब कितने लोग खाना खाएंगे, 400 पहले खाते थे, अब 280 लोग चले गए हैं, इसका मतलब 120 लोग अभी खाना खाएंगे, सिर्फ 120 लोग खाना खाएंगे। अब ये जो बचा हुआ खाना है, ठीक है, ये 120 लोग खाएंगे, याद रखना ये बचा हुआ जो खाना है ये 120 लोग खाएंगे। तो बचे हुए खाने को हम 120 से डिवाइड कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे, 00 कैंसिल, 3 1 3 4 4 10, तो आ गया 10 डेज। इसका मतलब ये जो बचा हुआ खाना है अगर ये 120 लोग खाएंगे तो 10 दिन और चलेगा, और अगर यही बचा हुआ खाना 400 लोग खाते तो सिर्फ 3 दिन ही चल पाता। बट अब वो कह रहा है कि 280 लोग चले गए हैं, तो बचा हुआ खाना जो है वो सिर्फ 120 ही लोग खाएंगे, तो अगर बचे हुए खाने को 120 लोग खाएंगे तो सिर्फ खाना मतलब जो खाना है वो 10 दिन और चलेगा, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका बेसिस पे। तो सबसे पहले आपको निकालना होता है कि बचा हुआ खाना कितना है, क्लियर। फिर आपको निकालना होता है कितने लोग अभी खाने वाले हैं, बस उसको डिवाइड कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कितने दिन और वो खाना चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने बिल्कुल ऐसे ही लिया है, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्लियर। थोड़ा सा चेंज है, बस माइनर सा चेंज है, तब तक इसको ट्राई कीजिए सबसे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 2000 मेन फॉर 54 डेज। सेम क्वेश्चन है कि 2000 लोगों के लिए 54 डेज तक खाना है, क्लियर। 2000 लोगों के लिए 54 डेज तक खाना है। अब वो क्या रहा है, कह रहा है कि आफ्टर 15 डेज, क्लियर, 15 दिन के बाद क्या होता है, सम मोर मैन कम टू द प्लेस। अब कुछ लोग और आ जाते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में कुछ लोग जा रहे थे, बट इस वाले क्वेश्चन में कुछ लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू रीच द रिमेनिंग फूड लास्ट फॉर 20 डेज, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अब खाना है सिर्फ 20 दिन ही चल पाता है, ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा लोग अगर लोग आ जाएंगे तो ऑफकोर्स खाने की क्वांटिटी जो है वो कम होती जाएगी, तो कम दिन चलेगा, तो सिर्फ 20 दिन ही चल पाता। तो आपको बोलना मतलब पूछा जा रहा है कि कितने लोग और आए, तो आपको जो अप्रोच है वो बिल्कुल चेंज नहीं करनी है, सेम अप्रोच रखनी है। क्या रखनी है, देखो 2000 लोगों के लिए 54 डेज तक खाना था, 2000 लोगों के लिए 54 डेज तक खाना था। अब हमारा मोटिव ये है कि हमें निकालना है कि कितना खाना जो है वो बचा हुआ है। तो देखो आफ्टर 15 दिन, आफ्टर 15 डेज सम मोर मैन कम टू द प्लेस, 15 दिन के बाद कुछ लोग आए, इसका मतलब 15 दिन तक खाना खा चुके हैं, इसका मतलब 54 डेज में से 15 दिन का खाना खत्म हो चुका है, इसका मतलब 39 डेज का खाना बचा हुआ है।
क्लियर, 39 डेज का खाना बचा हुआ है, और ये 39 डेज जो खाना है, 39 डेज का खाना है, कितने लोगों ने खाना था? ये खाना था 2000 लोगों ने, क्लियर। तो ये हमारे पास निकला फूड लेफ्ट, जो हमारे पास खाना बच गया 15 दिन के बाद, क्लियर, क्योंकि 39 डेज का खाना बचा था, और ये 39 डेज में खाना कितने लोगों ने खाना था? 2000 लोगों ने खाना था, तो मैंने 39 को 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो भी प्रोडक्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा जितना भी खाना बचा हुआ। अब उसने क्या बोला कि अब ये बचा हुआ खाना कौन खाएगा, कौन खाएगा? तो देखो, एक तो 2000 लोग, ठीक है, जो पहले से थे वो तो खाएंगे, अब जो एक्स्ट्रा मैन आए वो भी खाएंगे, क्लियर। तो ये बचा हुआ खाना कौन खाएगा? एक तो ये 2000 लोग खाएंगे, और जो एक्स्ट्रा मैन आया वो भी खाएंगे। अब एक्स्ट्रा मैन मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने एक्स मान लिया। अब जब ये बचा हुआ खाना इतने लोग खाएंगे, तो कितने दिन खाना चलेगा? सिर्फ 20 दिन ही खाना चलेगा, क्लियर। जब ये बचा हुआ खाना ये इतने लोग खाएंगे, तो खाना कितने दिन चलेगा? सिर्फ 20 दिन चलेगा। बस इसको सॉल्व कर लो, जहां से 0 और 0 कैंसिल हो गया, 200 जा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 3900, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2000 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1900। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा मैन आए थे 15 दिन के बाद, वो कितना था? वो कितने थे? वो थे 1900, क्लियर, वो थे 1900। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन का अप्रोच हमने बिल्कुल वैसे ही रखी, पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बचा हुआ खाना निकाला, इस वाले क्वेश्चन में भी हमने बचा हुआ खाना निकाला, पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बचे हुए खाने को डिवाइड किया था जितने लोग खा रहे थे, इस वाले क्वेश्चन में भी हमने बचे हुए खाने को डिवाइड किया जितने लोगों ने वो खाना था, क्लियर। बस पहले क्वेश्चन में ये डिफरेंस था कि पहले क्वेश्चन में हमें निकालना था कि कितने दिन तक खाना चलेगा, इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कितने दिन तक खाना चलेगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया है, क्लियर। बस यहाँ से इसको इक्वेट करके सॉल्व करके जो वैल्यू आई वो आई कि कितने लोग और आए थे 15 दिन के बाद। तो ये क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ आया होगा। बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए और इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तब तक आप नेक्स्ट ट्राई कीजिए। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42% कंज्यूम 144 केजी ऑफ वीट इन 15 डेज, 42% 15 दिन में 144 केजी वीट कंज्यूम कर जाते हैं। अब आगे बोल रहे हैं हाउ मेनी डेज विल 30% कंज्यूम 48 केजी ऑफ वीट, अब वो पूछ रहा है कि कितने दिन में 30% 48 केजी वीट जो है वो कंज्यूम करेंगे। तो कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, m1 × d1 / w1 = m2 × d2 / w2, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, बस इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज होना है, और आपकी प्रैक्टिस इस तरह से होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, क्लियर, आपको सोचना ना पड़े, क्लियर। तब देखो यहाँ पे पहली वाली लाइन को ध्यान से देखिए, 42% से, तो मैन की जगह हम लिखेंगे 42%, ठीक है, कितने दिन में खाना खाते हैं? 15 दिन में, क्लियर, 15 दिन में जो है वो 144 केजी वीट जो है वो कंज्यूम कर जाते हैं, तो यहाँ पे हम वर्क की जगह 144 केजी लिखेंगे, क्लियर, 144 लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, 42% 15 दिन में क्या काम कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कंज्यूम करने का, क्लियर, और कितना कंज्यूम किया? 144, तो इसको हम बहुत मान सकते हैं। बस अब इसको इस तरह से मतलब जो इसकी वैल्यू से पुट कर लीजिए, अब देखो नेक्स्ट वाली लाइन में बोला कि 30%, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 30%, कितने दिन में, तो ये दो हमें निकालना है, 48 केजी वीट जो है वो कंज्यूम करेंगे, तो इसको 48 लिख दीजिए, क्लियर। बस अब सॉल्व करना है आपको, 48 1 जा 48 3 जा 3 1 जा 3 5 जा 5 1 जा 5 6 जा 6 1 जा 6 7 जा, क्लियर। तो जो डे जो आया डेज वो आया 7 डेज, इसका मतलब ये हुआ कि 30% 7 दिन में 48 केजी जो वीट है वो कंज्यूम करेंगे, क्लियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर, बस इस फॉर्मूले को याद रखना, ये बहुत हेल्प करता है क्वेश्चन सॉल्व करने। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉन्ट्रैक्टर वाला, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन किया था, क्लियर। सो इस वीडियो में हम करेंगे, बट ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्लियर। तो ये ऐसे तो आपको लग रहा होगा कि काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो बड़ा क्वेश्चन देख के वैसे कुछ बच्चे जो हैं वो स्किप करना बेटर समझते हैं, बट अगर आपको ये क्वेश्चन पता हो ना बेसिकली, तो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही कम समय लगता है उसको सॉल्व करने में, और ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, क्लियर, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में पढ़ के सुनाता हूं आपको क्वेश्चन क्या है, एक बार आपको ट्राई करना है पहले। सो क्वेश्चन है कि ए बिल्डर डिसाइडेड टू बिल्ड ए फार्म हाउस इन 38 डेज, एक बिल्डर ने डिसाइड किया कि हम एक फार्म हाउस बनाएंगे 38 डेज में, ठीक है, उसने पहले का डिसाइड कर लिया कि भाई मेरा फार्म हाउस बनेगा और मैं 38 डेज में बना दूंगा। अब उसने क्या बोला, ही एम्प्लॉयड
30 men in the beginning. और फार्म हाउस बनाने के लिए उसने क्या किया, 30 men employ किए starting में, clear? मतलब 30 men लगाए. And 5 more after 25 days. और 25 days के बाद उसका पता नहीं क्या दिमाग था, वो उसने 5 men और लगा दिए, clear? And completed the construction one day before the stipulated time. अब हुआ क्या, 5 men और लगाने का फायदा ये हुआ कि जो काम 38 days में खत्म हो रहा था वो एक दिन पहले खत्म हो गया. Completed the construction one day before the stipulated time. Clear? 5 men लगाने का फायदा ये हुआ कि जो काम, ठीक है, जो काम 38 days में होना था वो एक दिन पहले ही हो गया, मतलब वो 37 days में ही खत्म हो गया. अब आगे बोल रहा है, if he had not employed the additional men, अगर वो additional men ना लगाता, मतलब वो जो 5 extra men उसने लगाए हैं, अगर वो ना लगाता, then how many days behind schedule would it have been finished? तो schedule time के कितने दिन के बाद काम खत्म होगा, मतलब 38 days के कितने दिन के बाद काम खत्म होता, तो ये question है, clear? अब हमारा जो हमें approach पकड़नी है इस question की, मतलब जो हमें start करना है वो 25 days के बाद करना, clear? मतलब मान लो ये पहली तारीख है, clear? और ये है 38 तारीख, तारीख में days, ये पहला दिन, ठीक है, और ये है 38 day, clear? अब देखो, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीच में कहीं 25th day, ठीक है, 25th day. अब मुझे बताओ पहले दिन से लेके 25वें दिन तक कितने लोगों ने काम किया, 30 लोगों ने काम किया, क्लियर? पहले दिन से लेके 25 दिन तक कितने लोगों ने काम किया, 30 दिन तक काम किया. और 25 दिन के आगे, ठीक है, आपको पता है 5 लोग और आगे, इसका मतलब अब ये कितने लोग काम कर रहे हैं, 35 लोग काम कर रहे हैं. और ये 35 लोग काम जब करेंगे तो आपको पता है 38 डेज नहीं लगेंगे काम खत्म होने में, सिर्फ 37 डेज लगेंगे, क्योंकि जिसने बोला है एक दिन काम पहले खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे मैं 37 डे भी लिख देता हूँ, क्लियर? अब देखो क्वेश्चन हम यहां से पकड़ेंगे, क्लियर? अब मुझे एक बार बताओ इस वाले पीरियड में कितना काम हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ कि कैसे निकालेंगे, क्लियर? कि इस वाले पीरियड में जो 25th डे के बाद स्टार्ट हुआ और 37 तक चला, इस पीरियड में कितना काम हुआ, तो मैं आपको बताऊं कि आपको वर्क कैसे निकालना होता है, आपको पर्सन को डेज के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, क्लियर? तो मुझे बताओ इस पीरियड में कितने लोगों ने काम किया, इस पीरियड में किया 35 लोगों ने काम, क्लियर? क्योंकि पहले तो 30 करते आ रहे थे, अब 25th डे के बाद 5 लोग और आ गए, इसका मतलब इस पीरियड में 35 लोगों ने काम किया. और ये 35 लोगों ने कितने दिन तक काम किया, तो मैं आपको बता दूं 35 लोगों ने किया 12 दिन तक काम, ठीक है? 37th डे तक आपको काउंट करना है, 38 तक नहीं याद करना, क्योंकि उन्होंने काम जो है वो 31 दिन पहले ही कर लिया था, तो आपको 37th डे तक काउंट करना है. तो 25 से लेकर 37 तक डिफरेंस करोगे आप 37 और 25 का, तो आएगा 12, तो इसका मतलब 35 लोगों ने 12 दिन तक काम किया. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पीरियड में कितना काम हुआ, इस पीरियड में कितना काम हुआ, 35 मल्टीप्लाई कर, ठीक है? अब आगे क्वेश्चन में उसने क्या बोला, ये ध्यान से सुनिए, कि अगर वो एडिशनल मैन ना लगाता, ठीक है, एडिशनल मैन ना लगाता, तो स्केड्यूल टाइम के कितने दिन के बाद ये काम खत्म होता. तो मुझे एक बात बताओ, ये काम अगर ओरिजिनल वाले लोग ही करते, कहने का मतलब जो स्टार्टिंग में लगाए थे, बिगनिंग में लगाए थे लोग, अगर ये काम उनको करना होता, ठीक है, अगर इतना ही काम जो इस पीरियड में हुआ, इतना ही काम अगर उनको करना होता जो स्टार्टिंग में लगाए थे, तो कितने दिन में काम खत्म करते, तो हम इस काम को डिवाइड कर देंगे 30 लोगों से, क्योंकि बिगनिंग में तो सिर्फ 30 ही लोग थे. आई रिपीट कि इतना काम, क्लियर, जो इस पीरियड में हुआ, अगर इतना काम 30 लोग करते, तो कितने दिन में काम खत्म होता, तो उसको सॉल्व करेंगे, 5 6 5 7 6 1 6 2, तो आ गया 14 डेज. इसका मतलब वो 14 दिन लेते, क्लियर, और 35 लोगों ने 12 दिन लिए. तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये अब ये जो 14 डेज आया, ये 14 डेज क्या आया, ये 14 डेज आया है कि जो जिन लोगों ने जो स्टार्टिंग में, जो बिगनिंग में, क्लियर, जो बिगनिंग में लोग आए थे, अगर वो काम करते तो 14 डेज लेते. इसका मतलब ये हुआ कि 25 दिन में 14 ऐड कर दो, तो उसका मतलब काम जो होना था वो 39 डेज में खत्म होना था, क्लियर, 39 डेज में खत्म होना था, बट हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 38 डेज में खत्म करना है हमें. इसका मतलब जो शेड्यूल टाइम था उसके कितने दिन के बाद काम जो है वो खत्म होता, तो वो एक दिन के बाद काम खत्म होता, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा.
एक फार्म हाउस था उसको बनाना था एक बिल्डर ने, तो उसने डिसाइड किया कि भाई मैं फार्म हाउस बनाऊंगा और मैं 38 डेज में उस फार्म हाउस को बना दूंगा। बट और उसके लिए उसने क्या किया, बिगनिंग में 30 मैन इम्प्लॉय किए और 5 मैन और इम्प्लॉय किए 25 दिन के बाद, जिससे हुआ क्या कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो एक दिन पहले ही खत्म हो गया। अब आपको बताना है कि अगर वो एडिशनल मैन ना लगाए होते तो स्केड्यूल टाइम के कितने दिन के बाद जो है वो काम खत्म होता। तो मैंने क्या किया, 25 यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा टेबल टाइप बना दिया ताकि आप समझ पाए, क्लियर। पहला दिन लिख दिया यहाँ पे और यहाँ पे 38th डे लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे 25th डे लिख दिया, और पहले दिन से लेके 25वें दिन तक कितने लोगों ने काम किया, 30 लोगों ने काम किया, क्लियर। और 25वें दिन के आगे, क्लियर, 35 लोगों ने काम किया क्योंकि 5 मैन जो है वो और आगे थे, ठीक है। अब उनकी वजह से फायदा ये हुआ कि अब ये जो काम है वो 38 डे तक नहीं चला, वो 37 डे तक ही चला। इसका मतलब 37 डे तक वो चला क्योंकि उसने बोला हुआ है कि एक दिन पहले काम खत्म हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पीरियड में कितना काम हुआ तो कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे कि हम क्या करेंगे, जितने भी लोग हैं उनको डे से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितने लोगों ने इस पीरियड में काम किया, वो है 35 लोगों ने, और कितने दिन तक किया, तो वो किया 12 दिन तक। तो याद रखना यहाँ पे 13 दिन नहीं लेना है क्योंकि उसने बोला कि एक दिन पहले ही काम खत्म हो गया, तो इतना काम किया इस पीरियड में, क्लियर। अब वही पूछ रहा है कि अगर वो एडिशनल मैन ना लाता, अगर वो एडिशनल मैन ना लगाता तो कितने दिन में काम खत्म होता। तो यही काम अगर ओरिजिनल वाले मैन करते, क्लियर, जो कि 30 थे, तो यही काम अगर 30 लोग करते तो कितने दिन लगते, 14 दिन लगते, ठीक है। तो 25 दिन के बाद 14 और लगते, तो इसका मतलब कितने दिन लगते टोटल, 39 डेज। बट उसने तो बोला था कि मैं 38 डेज में काम खत्म करूंगा, इसका मतलब शेड्यूल टाइम के कितने दिन के बाद काम खत्म होता, एक दिन के बाद, क्योंकि हमारा है 39 उसका है 38, ठीक है, तो इसका मतलब एक दिन के बाद खत्म होगा, तो जो इसका आंसर होगा वो एक दिन होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, क्लियर। इसको बार बार देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है मतलब वीडियो को बार बार देखिए, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इस तरह के क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।